राम मंदिर के निर्माण की भव्य तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आज हम आपको राम मंदिर से जुड़ी वो तस्वीरें दिखाने वाले हैं जो आज तक लोगों के सामने नहीं आ पाई। ये वो सबूत हैं जो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जहां मस्जिद होने का दावा था वहां रामलला सदियों से विराजमान थे। बॉस, सबसे पहले आपको विवादित ढांचे की वो तस्वीरें दिखाता हूं जिसे लोगों ने बाहर से देखा है। आपने बाबरी ढांचे को ऐसे ही ना देखा है, इसके अलावा क्या देखा है आपने बाबरी ढांचे का? मैं दिखाऊंगा इसके अंदर क्या था, और वो जब आप देखेंगे तो आपको अंदर से पीड़ा होगी बॉस कि 100 करोड़ हिंदुओं के देश में ये अंदर था और फिर भी हमें न्याय नहीं मिल रहा था। इस विवादित ढांचे के बाहर की तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन इस विवादित ढांचे के अंदर क्या था, कथित बाबरी मस्जिद के अंदर क्या था, वो तस्वीरें आज तक सामने नहीं आई। और आज पाठशाला में विवादित ढांचे के अंदर की एक एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, लेकिन पहले आपको उन नेताओं के कुछ बयान सुनाता हूं जिनके जहन में आज भी बाबरी मस्जिद बसी हुई है, जो कह रहे हैं कि वो बाबरी मस्जिद को कभी नहीं भूलेंगे, जो कह रहे हैं कि उन्होंने मस्जिद खो दी, जो कह रहे हैं कि वो प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन बाबरी मस्जिद के लिए दुआ करेंगे। एक बार ये बयानों को याद कीजिए, फिर ये तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। जब तक दुनिया रहेगी सुनो संत परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे, दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद के एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा, तुमने तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हय्याल सलाह और हय्याल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखा कर जाएंगे इस दुनिया से, अगर हमारी सिसकियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। असदुद्दीन ओवैसी अकेले नहीं है जो बाबरी मस्जिद की छाती पीट रहे हैं, ऐसे और लोग हैं, और जो वो कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को सिखा के जाएंगे, उन मुसलमान बच्चों को भी आज पाठशाला में ये तस्वीरें देखनी चाहिए कि बाबरी ढांचे के अंदर सच क्या था। जो लोग आज भी बाबरी ढांचे की बात करते हैं और कहते हैं कि उनके साथ तो अन्याय हुआ, राम मंदिर का निर्माण करके अन्याय हो रहा है, जबकि सच इसका उलट है। अन्याय तो करोड़ों राम भक्तों के साथ हुआ और बरसों तक वो अन्याय चलता रहा और नेताओं ने चुप्पी साधे रखी। पाठशाला में जो तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें 10 जनवरी 1990 की हैं, जो कोर्ट के ऑर्डर पर ली गई थी, और देश ने बाबरी मस्जिद के अंदर की ये तस्वीरें नहीं देखी। कोर्ट के ऑर्डर पर ली गई एक एक तस्वीर हमारे पास है और ये तस्वीरें हमने भी पहली बार देखी हैं। इन तस्वीरों से आपको दो बड़ी बातें पता चलेंगी, पहली ये कि विवादित ढांचा गिरने से पहले मस्जिद परिसर आखिर दिखता कैसा था और उसके अंदर क्या क्या चीजें थी, मस्जिद के अंदर जो मंदिर थे वो कैसे दिखते थे, और जो 1949 में रामलला की मूर्ति स्थापित हुई थी वो कैसी दिखती थी। दूसरा, मस्जिद के अंदर वो प्रमाण भी आपको दिखाएंगे जिससे ये साबित हो जाता है कि मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल मस्जिद बनाने में किया गया। सबसे पहले आपको बाबरी मस्जिद के या बाबरी ढांचे के अंदर की वो तस्वीरें दिखाता हूं जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली हैं, और ये तस्वीर देखिए। विष्णु जैन हमारे साथ मौजूद हैं। विष्णु भाई, आप तो ये मंदिरों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप तो ये देख रहे हैं, आप बेहतर बताएंगे, और के मोहम्मद साहब जो अंदर गए हैं बाबरी मस्जिद के वो बताएंगे। ये तस्वीर देखिए, इसको पॉज कीजिए, इस तस्वीर को पॉज कीजिए और देखिए, जूम करके दिखाइए। ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं ये बाबरी ढांचे के अंदर का पिलर है जिसमें हिंदू आकृतियां बनी हुई हैं। 12 पिलर बाबरी ढांचे के अंदर जिन पर हिंदू आकृतियां बनी हुई थी, और ये मस्जिद इस पर टिकी हुई है। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पिलर बाहर से रखा हुआ है, ऐसे पिलर्स पूरे मस्जिद में मौजूद थे और 12 पिलर्स करीब करीब बताए जा रहे हैं, और एक एक पिलर की तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। दूसरी तस्वीर दिखाइए जिसमें आपको पिलर के अंदर ये जो पूरा निर्माण है पिलर के अंदर, ये देखिए, इसको देखिए, इसमें यहां पर फूल बना हुआ है, वही कलाकृति दिख रही है। पिलर के ऊपर कलश और दूसरी चीजें दिख रही है, वो वाली तस्वीर भी दिखाइए जिसमें पिलर में, ये देखिए, अंदर घंटी दिख रही है, पूजा हुई है उसकी तस्वीर दिख रही है, पिलर में कलश बना हुआ है। विष्णु जैन जी, मैं के मोहम्मद साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन ये बाबरी ढांचा, ये देखिए यहां पर कलश बना है, जूम करके दिखाइए इसको, ये तस्वीर दिखाइए यहां जूम करके, ये कलश बना हुआ है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पूरा कलश बना हुआ है और इस पिलर पर हिंदू धर्म की निशानियां हैं। विष्णु जैन जी, ये क्या है? देखिए, ये जो तस्वीर ली गई थी ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से 10 जनवरी 1990 को
राकेश तिवारी जो उस समय के आर्कियोलॉजिकल सर्वे के यूपी स्टेट के चीफ थे, उन्होंने तस्वीरें ली थी और ये कलर्ड फोटोग्राफ्स का आदेश ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की फाइनल हियरिंग हुई थी, उससे पहले ये सारी तस्वीरें, एक सेकंड, ये तस्वीर देखिए, ये एक और तस्वीर, इसमें आप देखिए साफ साफ पिलर पर किस तरह से बाबरी ढांचे के अंदर ये पिलर दिख रहा है और इसमें पूरी कलाकृति जो है वो हिंदू कलाकृति दिख रही है बाबरी ढांचे के अंदर। अब आप अपनी बात कही और तस्वीरें रखिए फुल फ्रेम। तो हम लोग यही बात बताना चाहते हैं कि ये जो 14 कसौटी के खंभे मिले थे, ये तथाकथित मस्जिद के अंदर मिले थे जिसको लोग बाबरी मस्जिद कहते हैं। और प्रिसाइसली हमारा यही केस था कि बाबरी मस्जिद बनाने के लिए कोई नया या फ्रेश कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया, ऑलरेडी जो प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर था उसी को एक मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। और ये जो पिलर आज आप दिखा रहे हैं, ये चीख चीख के कह रहे हैं कि एक हिंदू मंदिर का अवशेष है और हिंदू मंदिर के स्ट्रक्चर उनके मलबे को ही इस्तेमाल करके उसको मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है। और इन पिलर्स को तो डिस्टर्ब तक नहीं किया गया है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में ये बातें स्पष्ट रूप से कही हैं। और ये भी बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में 2019-1 SCC पेज 1 पैराग्राफ 730.7 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फाइंडिंग को माना है। तो जो लोग ये हमेशा कहते रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आस्था के आधार पे है, कृपया करके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लें और ये सारी तस्वीरें। और जो सारे लोग ये कहते हैं कि अंदर वहां बाबरी ढांचे के नीचे मंदिर नहीं मिला, बॉस नीचे मंदिर कहां तलाश रहे हो? ये तो बाबरी ढांचा ही खड़ा है मंदिर के ऊपर। ये 12 पिलर जिन पर बाबरी ढांचा खड़ा था उस पर हिंदू धर्म की निशानियां चीख चीख कर गवाही दे रही हैं और लोग मंदिर ढूंढ रहे थे और आज कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे कि बाबरी मस्जिद के लिए को याद रखना, उसकी शहादत याद रखना। हमारे साथ के मोहम्मद साहब हैं, ASI के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक जो बाबरी मस्जिद के अंदर गए थे। के मोहम्मद साहब, आपने तो ये तस्वीरें अंदर से देखी हैं, देश पहली बार पाठशाला में और टाइम्स नाउ नव भारत पर देख रहा है। आपने जब सामने से देखा ये 12 पिलर, क्या आपको देखकर लगा था कि ये तो मंदिर है, मस्जिद के निशान कहाँ है इसमें? नहीं, बिल्कुल, जब मैंने जब देखा था 1976-77 में, यही इसी तरीके से देखा था। इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण कलश कहते हैं। वट इज ए पूर्ण कलश? आजकल भी जन पूर्ण कलश अष्ट मंगल चिन्हास है, 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स है इन हिंदुइज्म में। खासकर 12वीं शताब्दी के जितने भी मंदिर होते हैं उन सारे मंदिरों में आपको ये पूर्ण कलश मिलेंगे। आजकल भी अगर कोई बहुत बड़ा आचार्य जी, शंकराचार्य जी या इस तरह की कोई भी आचार्य जी आते हैं तो आप उनको जो ना गार्लैंड से, फूल माले से जो ना उनको आप वेलकम नहीं कर सकते हैं या कोई चादर से वेलकम नहीं कर सकते हैं, आप जो ना उनको पूर्ण कलश पेश करेंगे। तो वो विधि है, उसी के हिसाब से जनो ये मंदिर का भी पहले हम लोगों को साइन ये मिला था कि यहाँ इस तरीके के पूर्ण कलश है। उसके बाद जब प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने जब एक्सकेवेशन किया था तो इसको खड़े रखने के लिए जो ब्रिक प्लेटफॉर्म्स थे वो ब्रिक प्लेटफॉर्म भी एक्सकेवेशन में मिला। और इसके साथ साथ कुछ स्कल्पचर्स भी थे, उस स्कल्पचर्स को जो डिफेस किया हुआ था, लेकिन ये पता था कि जो ना ये बिल्कुल हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस का है। तो वो जो मूर्तियां थी वो भी अंदर मिली बाबरी ढांचे के अंदर ही, अंदर ही, अंदर ही, पूरे की पूरा सब अंदर ही थे। उसके बाद जो ना कुछ और भी जो मिट्टी का टेराकोटा का जो स्कल्पचर्स है वो भी मिला है। एंड वो सब जो ना जितने भी थे वो सब मंदिरों से एसोसिएटेड थे क्योंकि उसमें लेडीज का भी फिगर्स थे उसमें। ये अपने आप में इतना हैरान करने वाला है। और अभी हम और तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि बाबरी ढांचे के अंदर कितने सबूत थे चीख चीख कर कहने वाले कि ये बाबरी ढांचा जो है वो दरअसल हिंदू मंदिर पर खड़ा है। और उसके बावजूद सालों साल इस देश में हिंदुओं को और राम भक्तों को इंतजार कराया गया और उसके बाद एहसान लादा जा रहा है कि कोर्ट का फैसला आ गया तो क्या करें, उसमें तो हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। आपको मैं और तस्वीरें दिखाऊं, उससे पहले आज मैं आपके लिए पाठशाला में सवाल नहीं लेकर आया हूं, मतलब यूनिट टेस्ट नहीं लेकर आया हूं, आज इमोशन टेस्ट होगा आपका। आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और आपको QR कोड स्कैन करके अपना इमोशन बताना है कि यह देखकर आपको क्या लग रहा है। स्क्रीन पर सवाल डालिए
और ये है आज का हमारा सवाल कि बाबरी ढांचे में मंदिर के सबूत देखकर भी भाई ये सबूत देखने के बाद कौन चुप रह सकता था, लेकिन इस देश में पार्टियां जो आज कह रही ना कि मेरे और मेरे भगवान के बीच कोई कैसे आ सकता है, वो पार्टियां सालों साल चुप रही। क्यों चुप रही? एक मुश्त मुस्लिम वोट बैंक के लिए, जातियों में हिंदू बटा हुआ इसलिए ऑप्शन बी, माहौल बिगड़ने का डर था ऑप्शन सी, या फर्जी सेक्युलरिज्म के नाम पर ऑप्शन डी। आपके सामने QR कोड है, इसको स्कैन कीजिए और मैं आपको लाइव सेंटिमेंट देश का दिखाऊंगा कि ये तस्वीरें देखने के बाद इस सवाल पर देश क्या सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। कोई सर्वे नहीं बाद में, अभी लाइव सर्वे, लाइव देश का फैसला, लाइव देश का इमोशन आज देश देखेगा। QR कोड स्कैन करते जाइए, वोट करते जाइए। विष्णु जैन जी, ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं और अभी और तस्वीरें जो हैं वो डालते जाइए स्क्रीन पर, ये जो हम पैटर्न देख रहे हैं ये तो वही पैटर्न है जो हमने ज्ञानवापी में देखा। ये देखिए एक और तस्वीर, यहां राम जन्मभूमि द्वार भी लिखा हुआ है, यहीं पर सामने देखिए ये पुलिस वाला खड़ा है और यहां पर दोनों तरफ आप देखिएगा, ये पॉज कीजिए, ये दो पिलर तो यहीं सामने में है जिन पर हिंदू आकृति बनी हुई है। विष्णु जैन जी, यही कमोबेश चीज जो है हमने ज्ञानवापी में देखी है, वहां तो पूरी दीवार ही हिंदू धर्म से जुड़ी हुई दिखी फिर भी मानने से इनकार। यही तस्वीर मथुरा में लोग कहते हैं कि इसी तरह की चीज है, सेम पैटर्न कि मंदिर तोड़कर नहीं लेकिन मंदिर के ऊपर ऐसा लगता है कि मस्जिद खड़ी की गई। नहीं बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा मंदिर तोड़ के ही मस्जिद बनाई जाती है और मस्जिद बनाने के लिए इन सारे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर्स में कोई फ्रेश कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया, उसी के मलबे को उसी के एरिया को इस्तेमाल करके उसको मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। यही चीज़ आप ज्ञानव्यापी में होते हुए देख रहे हैं, यही चीज़ आप मथुरा की शाही ईदगाह में होते हुए देख रहे हैं और इसीलिए इन सारी जगहों पर सर्वे से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, एडवोकेट कमीशन के सर्वे से, फोटोग्राफी से और वीडियोग्राफी से बचा जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब वहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होगी तो ये सच उभर के सामने आएगा। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ सुशांत जी, आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, बड़ा एक महत्वपूर्ण फैक्ट है और ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है और कोई भी इस्लामिक स्कॉलर इसको कंट्रडिक्ट करे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट इस बात को माना है। 1528 से लेके 1855 तक किसी भी नमाज पढ़ने का वहां पे कोई प्रूफ था ही नहीं, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कही है। ये सारा डिस्प्यूट तब शुरू हुआ है जब 1857 में वहां पे रेलिंग खींच के हिंदू समाज के लोगों को ब्रिटिश सरकार ने बाहर फेंक दिया इन तीन गुंबद के और कहा कि आप बाहर पूजा करिए, और मुस्लिम समाज के लोगों को अंदर कह दिया नमाज पढ़ने के लिए। वहां से इस डिस्प्यूट का जन्म हुआ है। 1528 से लेकर 1855 तक कोई इस्लामिक स्कॉलर बताए, कोई इस्लामिक एक स्क्रिप्चर बता दे या एक हिस्टोरिकल वर्जन बता दे जहां पे उन्होंने इसके अंदर नमाज पढ़ी हो। के मोहम्मद साहब, एक बात और बताइए, ये जो पैटर्न दिखता है ज्ञानवापी में भी, ये जो पैटर्न दिखता है मथुरा में भी और ये जो पैटर्न बाबरी में भी आज देश देख रहा है, इसके पहले लोगों ने देखा नहीं है ये सब कि बाबरी ढांचा मंदिर के पिलर्स पर खड़ा था, ये क्या, आप चूंकि एसआई से जुड़े रहे हैं, ये क्या था कि पूरा मंदिर तोड़कर नहीं बल्कि मंदिर के पिलर पर मस्जिद क्रिएट करो, ये कोई उस वक्त की सभ्यता थी, क्या था ये? नहीं, इसमें मैं कुछ ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा क्योंकि ये तो सब जोड़ी से अभी, क्योंकि इसके बारे में जो ना एक रिपोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से खुद आ रहे हैं, क्योंकि उसमें यहाँ पर भी ज्ञानवापी में भी और दूसरा मथुरा में भी पूरा जो ना इसका सर्वे चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये पूरा सर्वे होने दीजिए, उसके बाद ही हम लोग जो ना कुछ कर पाएंगे। लेकिन मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन ये है, क्योंकि ये तीनों मुसलमानों को जितना मक्का और मदीना इम्पोर्टेंट है उतना हिंदुओं के लिए ये बहुत अहम जगह है, बहुत ही पुण्य भूमि है, तो मुसलमानों को इन हिंदुओं का, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो विशाल हिंदू समाज है उनका पीड़ा मुस्लिम समाज को समझना चाहिए, उनका दिली दर्द और उनकी वेदना जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी को समझना नहीं। और सर हम इसीलिए दिखा रहे हैं कि कोई ओवैसी तो समझा के चले जाएंगे कि मैं मर जाऊं लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो बाबरी मस्जिद को याद करें, लेकिन वो बच्चे देखें कि जो बाबरी ढांचा है वो चीख चीख कर कह रहा है कि वो तो खुद मंदिर के पिलर्स पर खड़ा है, और ये तो इस्लाम में भी ठीक नहीं है सर। इस्लाम में किसी दूसरे धर्म की जगह पर आप मस्जिद नहीं बना सकते, तो जो लोग आपको ये सिखा रहे हैं वो आपसे गैर इस्लामी बातें करने के लिए कह रहे हैं और आपको अपने पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज राम मंदिर का जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं उस पॉलिटिक्स में मत फंसिए बॉस,
आप देखिए कि वहां राम मंदिर था और उस राम मंदिर, या वहां मंदिर था और उसकी जगह पर अब राम मंदिर बन रहा है, बीच में वहां आकर मस्जिद खड़ी थी या वो ढांचा खड़ा था। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, गुंबद के नीचे एक प्लेन सरफेस का एरिया भी दिखाई दिया यहां पर, ये देखिए, इसी के ऊपर ही करीब 500 साल पहले विवादित ढांचा बनाया गया था। जरा यहां तस्वीर दिखाइए, ये तस्वीर देखिए, ये जो आप नीचे का हिस्सा देख रहे हैं ये प्लेन सरफेस एरिया दिखता है जिसके ऊपर ये ढांचा क्रिएट किया गया। ये जगह एक मिट्टी के टीले पर ऊंचाई पर दिखाई दे रही है, इसको देखिए, ये मिट्टी के टीले पर ऊंचाई पर दिखा रही है। किसी जमाने में पूरा हिस्सा विशाल मंदिर परिसर ही था जो धीरे धीरे खंडर में बदल गया। यहां निर्माण से पहले एक मजबूत पक्की नींव बनाई गई थी, इसके ऊपर ही एक बहुत प्राचीन इमारत थी जिसे मंदिर कहा गया था। बाद में इसी इमारत को हटाकर बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। अयोध्या की तरह ही मथुरा में इसी तरह से औरंगजेब ने मस्जिद बनवाई थी। ये मथुरा की एक पुरानी तस्वीर आपको दिखाता हूं जिसमें एक प्लेन हिस्से पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। ये तो आप बाबरी ढांचा देख रहे हैं, मथुरा वाला भी दिखाइए, वहां पर भी यह कहा जाता है कि एक प्लेन सरफेस था और उसके ऊपर जो है, ये देखिए, अब ये दोनों देखिए, ये अयोध्या और ये मथुरा की तस्वीर दिखा रहा हूं, और कहा यह जा रहा है कि एक मंदिर हुआ करता था जिसे हटाकर मस्जिद वहां पर बनाई गई है, और जो सरफेस है वो दरअसल मंदिर का ही सरफेस है। वाराणसी में तो ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण के दौरान प्राचीन मंदिर की एक दीवार का इस्तेमाल किया गया था। यह दीवार आज भी मौजूद है जिसे आप कई बार पाठशाला में तो और नवभारत पर कई बार देख चुके हैं, जिस पर पूजा पाठ की जाती है। यह दीवार देखिए, यह तो पूरी मंदिर की दीवार नजर आती है और पीछे तीन दीवारें जो है वो मस्जिद से जुड़ी भी नजर आती है। मेरा एक सवाल यह भी है, क्यूआर कोड डालते रहिए लोग स्कैन करके, जो वोट कर रहे हैं वो वोटिंग भी लाइव बताइए कि देश का सेंटिमेंट क्या आ रहा है निकलकर। लेकिन विष्णु भाई एक बात ये बताइए, ये तस्वीरें 10 जनवरी 1990 की हैं जो हमने बाबरी ढांचे की तस्वीरें दिखाई, जिसमें क्लियरली पिलर्स दिख रहे हैं जो हिंदू मंदिर के होने की गवाही देते हैं। लेकिन उसके ठीक बाद वर्शिप एक्ट लाया जाता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। पूरा मुद्दा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाके राम मंदिर को एग्जेम्प्ट कर दो, और बोल दो कि राम मंदिर तो हम तुम्हें कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए, इस बात को जरा, मेरी इस बात को जरा अंडरलाइन करिएगा सुशांत जी, राम मंदिर के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की परमिशन दे देते हैं, पर बाकी चीजों के लिए कानूनी लड़ाई भी मत लड़ना, कोर्ट भी जाने का अधिकार आपको नहीं है, ऐसा कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 द्वारा इनैक्ट किया गया। और जो बात मैं कह रहा हूं वो सेक्शन 4 में लिखी हुई है, वो अलग बात है, उसके इंटरप्रिटेशन के लिए आज हम लड़ाई कर रहे हैं, पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाने की मंशा यही थी कि इस तरह के मुकदमे कोर्ट में ना चल पाए। और जो लोग संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं और कहते हैं सेक्युलरिज्म इस देश का बेसिक स्ट्रक्चर है, तो बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा था लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार संविधान की आत्मा है, और उसको अगर किसी ने छीना है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ने छीना है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, ज्ञान व्यापी के मुकदमे में 30 साल तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है कि नहीं होता है, इस पर एक लंबी लीगल डिबेट और पेंडेंसी रही, अब जाके वो मामला हल हुआ है और सूट में आगे ट्रायल बढ़ा है। बिल्कुल, और मैं कहूंगा कि वो पिलर्स जो अंदर मिले बाबरी ढांचे के वो दिखाते रहिए दर्शकों को, ये वो तस्वीरें हैं जिनके बारे में दावा है कि यही विवादित ढांचे के अंदर प्रूफ था, और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ था ये। अब मैं आपको वो तस्वीरें दिखाता हूं जो आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 22 दिसंबर 1949 को जहां पर कहा गया कि रामलला प्रकट हुए थे, अब आपको वो तस्वीरें दिखा रहा हूं, विवादित ढांचे के अंदर यहीं पर उनकी पूजा होती थी, और जो आप वो चबूतरे जैसा हिस्सा देख रहे हैं उसके लिए कहा गया कि यही राम चबूतरा था। के मोहम्मद साहब, ये जो अभी तस्वीर दिख रही है इसको जरा आप बताएं कि ये क्या था। नहीं, ये असल में 1976 फर्स्ट एक्सकेवेशन का नहीं है, ये सेकंड एक्सकेवेशन का है, 2003 एंड 2003 में जो एक्सकेवेशन हुआ था वो डॉक्टर बी आर मणि साहब के अंडर में हुआ था, तो ये उसी समय का एक्सकेवेशन का है, तो मुझे इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, लेकिन विष्णु भाई आपको आपको जानकारी है? नहीं, देखिए जब 2003 में एक्सकेवेशन हुआ था तो उस एक्सकेवेशन के दौरान बहुत सारी चीज़ें मिली थी, गुप्ता पीरियड से लेके और उसके बाद 12वीं शताब्दी के भी यहाँ पे चीज़ें मिली थी। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट थी उस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ, और ASI ने अपनी रिपोर्ट, अपने कंक्लूजन, अपनी फाइंडिंग में ये कहा था कि जो नीचे स्ट्रक्चर पाया गया है यह 12वीं शताब्दी का स्ट्रक्चर है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रूव किया। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूँ, इस पूरी खुदाई में एक्सकेवेशन के दौरान परनाला मिला था, जो शिवलिंग में जब जल चढ़ाया जाता है और जो अर्घा के माध्यम से पानी जाता है, जो हमेशा नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में मिलता है, ये भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फाइंडिंग दी थी, और सेलुलर श्राइन भी वहाँ पे बरामद हुआ था, मिला था एक्सकेवेशन के दौरान। तो एक्सकेवेशन के दौरान तो बहुत सारी सभ्यताओं के चिन्ह मिले थे, जो ये बताते हैं कि 1528 से पहले
12वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी में वहां पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था और वहां पे बराबर उसकी और उसके बाद अगर आप ट्रेवल अकाउंट्स ले लें 1528 के बाद में, सुशांत जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, 1510 में गुरु नानक देव ने यहां पे दर्शन किए हैं, सरयू में स्नान किया और राम मंदिर के दर्शन किए, ये सिख इतिहास में लिखा हुआ है। 1528 के बाद जो सबसे वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट है आईने अकबरी, उसमें उन्होंने लिखा है अबुल फजल ने जो अकबर के कोर्ट मास्टर थे कि यहाँ पे हिंदू समाज के लोग यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं और रामनवमी के दिन रामनवमी सेलिब्रेट करते हैं। ट्राइफेन थेलर, कार्नेगी, मार्टे और जितने हिस्टोरियंस हैं, ट्रेवलर अकाउंट्स हैं, सबने ही कहा कि यहाँ पे बराबर हिंदू समाज के लोग पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। और उसके बाद मैं आश्चर्यचकित हूँ विष्णु भाई, इतनी तस्वीरें बाबरी ढांचे के अंदर की एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं, उसके बावजूद इतने साल के बाद एक कोर्ट का फैसला आता है। उसके पहले नेताओं ने मतलब ये प्रयास हुए कि मतलब ये चीजें ही बाहर ना आए और लोगों को पता ना चले। अगली तस्वीर राम चबूतरे की खुदाई की दिखाइए, जहां राम चबूतरा वो जगह जो मस्जिद के बाहर की जगह है, ये तस्वीर देखिए, ये जो खुदाई हुई थी 2003 में उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसका फिर सालों तक यहीं पर पूजा हुई। ये जो आप चबूतरा देख रहे हैं यहां पर देखिए, नीचे लिखा हुआ भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसमें एक एक फोटो पर जानकारी दी थी कि ये राम चबूतरा है। ये देखिए, ये जो चबूतरा आपको नजर आ रहा है और बाद में यहीं पर पूजा वगैरह जो है वो की गई। हमारे पास राम चबूतरे की खुदाई की तस्वीरें हैं, राम चबूतरे की खुदाई के दौरान हिंदू सभ्यता से जुड़े कई प्रमाण भी मिले थे। यानी साफ साफ बाबरी मस्जिद जिसे कहा गया वो बाबरी ढांचा था और उसके अंदर ये चीजें नजर आई। विष्णु भाई, क्या आपको लगता है ये तस्वीरें देखने के बाद अब कम से कम जो के मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए, भाई हो सकता है बहुत सारा मुसलमान बाबरी ढांचे के अंदर ना गया हो, लेकिन आज तो पहली बार वो देख रहा है कि वहां मंदिर था, उसके पिलर्स थे, सब कुछ साफ साफ है, इसके बाद कुछ छुपता है क्या? तो ज्ञानवापी और मथुरा को लेकर जो मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि के मोहम्मद साहब कि मुसलमानों को ही आगे आकर पहल करनी चाहिए, वो होगा आपको ऐसा उम्मीद है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई पहल या ऐसी कोई बात होगी। इनफैक्ट मैं तो आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि राम मंदिर के दौरान जब मीडिएशन का दौर चल रहा था तो आपको पता है उसमें क्या बातें गई? उस समय तो गैग ऑर्डर लगाया गया था इसलिए उसके बारे में बात नहीं कर सकते थे, पर अब तो गैग ऑर्डर खत्म हो चुका है तो मैं बता सकता हूँ, मीडिएशन के दौरान भी यही बातें हुई थी कि राम मंदिर तो हम आपको दे देंगे पर बाकी और किसी काशी मथुरा और किसी और मंदिर के बारे में बात मत करिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि जो हमारे आस्था के सबसे मूलभूत केंद्र हैं वो नहीं चाहते हैं कि आस्था के केंद्र मुक्त किए जाएं, और जिस तरह से गुलामी की मानसिकता के आधार पे यहाँ पे औरंगजेब ने और बाबर ने यहाँ पे हमारे मंदिरों को तोड़ा और उसको एक मस्जिद का रूप देने की कोशिश की, ये लड़ाई उन्हीं मंदिरों को मुक्त कराने की है क्योंकि ये हमारे आस्था के केंद्र हैं, चाहे वो काशी हो चाहे वो मथुरा हो। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ सुशांत जी, काशी के केस में 24 तारीख को मामला वाराणसी की कोर्ट में लगा हुआ है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है वो सील बंद कवर में है और उस दिन उसमें सुनवाई होने वाली है। जब वो रिपोर्ट खुलेगी तो उसमें और ज्यादा प्रमाण मिलेंगे मंदिर के, जो आपने एडवोकेट कमीशन के सर्वे में देखा है और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की फाइंडिंग आएगी, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फाइंडिंग मुझे भी नहीं पता क्या है, पर वहां पे 92 डेज के सर्वे में मैं रहा हूं और वहां पे वो इतने सारे प्रमाण मिले। अभी तो गैग ऑर्डर अंजुमन इंतजामिया ने लिया हुआ है कि आप उसके बारे में बात ना करिए, पर कब तक वो लोगों का मुंह बंद करके रखेंगे? 92 डेज के सर्वे में भारी मात्रा में प्रमाण मिले हैं और वो सारे प्रमाण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बोलेगी। सारे प्रमाण कोर्ट का जब आदेश आएगा तो सामने आएंगे ही। हमने ज्ञानवापी की कई चीजें आपको नवभारत पर सबसे पहले दिखाई थी, वो भी दिखाएंगे, और आज पहली बार देश को बाबरी ढांचे के अंदर क्या था वो भी दिखा रहा हूं, ताकि जो लोग पूछते हैं कि बाबरी ढांचे के नीचे मंदिर मिला या नहीं मिला, बॉस नीचे छोड़ो, बाबरी ढांचा मंदिर के पिलर्स पर खड़ा था, ये देखो। और उसके बाद सवाल पूछो कि अगर इस देश में न्याय होता है, अगर वाकई ये कोई सेक्युलरिज्म है क्या? आपको सामने दिख रहा है कि 12 पिलर जिन पर बाबरी ढांचा खड़ा है वो हिंदुओं के प्रतीक वहां है, हिंदू मंदिर के प्रतीक हैं, और आप जो है उस पर चुप बैठ जाएं, न्याय की बात ना हो, और उसके बाद आप कहें कि भाई ये सेक्युलरिज्म है इस देश के अंदर। और जो के मोहम्मद साहब कह रहे थे कि मुसलमानों को भी समझना होगा, जैसे आपके लिए मक्का मदीना है वैसे हिंदुओं के लिए ज्ञानवापी है, मथुरा है और राम मंदिर है। और अगर आप सोचते हैं कि भाई ये सच हमको नहीं पता था इसलिए, अब तो सच पता चला, अब तो समझिए, अब तो अपने नेताओं से पूछिए। अभी तक लगातार लाइव वोटिंग चल रही है और मैं आपको बता दूं 43,000 वोट
पिछले कुछ मिनटों में पड़ चुके हैं 43,000 वोट, और लोगों का सेंटिमेंट क्या है स्क्रीन पर डालिए एक बार, जरा लोगों को दिखाइए, फुल फ्रेम स्क्रीन पर डालकर बताइए कि देश क्या सोच रहा है सच को देखने के बाद। एक बार जो वोटिंग पैटर्न है वो लोगों के सामने रखिए कि इस वक्त इस सच को देखने के बाद लोग क्या कह रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, बाबरी ढांचे में मंदिर के सबूत देखकर भी सालों तक पार्टियां चुप क्यों रहीं? 67% वोटर, 43,000 वोट पड़ा था अभी कुछ देर पहले, ये और हजार बढ़ गया है, 67% लोग कह रहे हैं कि एक मुश्त मुस्लिम वोट के लिए ये लोग चुप रहे। सिर्फ मुस्लिम वोट, चूंकि वो बल्क में पड़ता है तो नेताओं ने अपने गले में दही जमा लिया। 10% लोग कहते हैं कि हिंदू चूंकि जातियों में बटा है इसलिए यह हो रहा है, माहौल बिगड़ने का डर था, यह मात्र 3% लोगों को लगता है, और 20% को लगता है कि यह फर्जी सेक्युलरिज्म, यानी फर्जी सेक्युलरिज्म और एक मुश्त मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति, इसको मिला लीजिए तो 87% लोगों को लगता है कि यह सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ। लेकिन यह अन्याय हुआ तो इस अन्याय के बारे में बात होनी चाहिए, आपको जानना चाहिए, और अभी शो खत्म नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं आप वोट लगातार करते रहिए, हम इसके बारे में आपको बताते रहेंगे। विष्णु भाई आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, के मोहम्मद साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सच लोगों के सामने लाने में हमारी मदद करने के लिए।